एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी विधायक सुधाकर भालेराव शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो गए हैं। बता दें, भालेराव उदगीर रिजर्व क्षेत्र से लगातार दो बार विधायक रहे हैं। तो एमडीए में शरद पवार के एनसीपी के पास उदगीर की सीट है। जानकारी के मुताबिक सुधाकर के साथ अन्य नेता भी एनसीपी एसपी में शामिल हुए हैं। बता दें, शरद पवार इन दिनों मराठवाड़ा में मजबूत किलेबंदी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अजित गुट के विधायक शरद पवार के संपर्क में है। वही पूर्व गृह मंत्री माधव किन्हालकर ने भी बीते दिनों बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। बता दें, 12 जुलाई को एमएनसी की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार होने की वजह से क्रॉस वोटिंग का डर है। वही एनडीए गठबंधन ने अपने विधायकों को होटल में ठहरा रखा है, जहां कोलाबा के होटल प्रेसिडेंट में बीजेपी विधायक ठहरे हुए हैं। तो वही शिंदे गुट के विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ठहराया गया है।